वेलकम टू आर चैनल क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द एरिया, अ क्वेश्चन हमें किस चीज का दे रखा है, एरिया का, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल तो पता ही है कैसा होता है, ट्राइंगल दिखा देता हूँ आपको ऐसा, और इसके जो वैल्यूज है 2, 3, 1, 0 वो दे रखी है, जैसे यहाँ पर 2, 3, 1, 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, -4। तो ये क्या है, क्वेश्चन में एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, ठीक है, इसमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो हमें इसका आंसर निकालना है एक तरीके से। अब हुज वर्टिकल्स आर 2, 3, 1, 0, 2, -4, तो क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए हमें तो इससे देखो 3 ब्रैकेट दे रखे, तो उसमें एक्स वाई भी 3 होंगे, ये होगा हमारा एक्स वन, ये क्या होगा हमारा वाई वन, ठीक है, ये क्या होगा हमारा एक्स टू, ये क्या होगा वाई टू, ठीक, ऐसे ये क्या है क्वेश्चन में एक्स थ्री, ये क्या है वाई थ्री, क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसे लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे जी हम, बहुत इजी मेथड है इसका, देखिए बहुत आसान तरीका, 1/2 लिखिए, ठीक, फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ अभी मैं, 1/2 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, ठीक, एक्स लिखिए, फिर ब्रैकेट लिखिए, फिर वाई माइनस वाई लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर एक्स लिखिए, ठीक, फिर क्या लिखना है वाई माइनस वाई, ठीक, फिर प्लस लिखिए, फिर एक्स लिखिए, फिर वाई माइनस वाई, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब ये था एक वन डिजिट है कि भाई 1, 2, 3, तो हमने क्या एक डिजिट बना देता हूँ मैं, देखो उसमें पहले हमें याद रखना है 1, 2, 3, क्या लिखे याद रखना है 1, 2, 3, इसे याद रखना 123, ठीक, 231, फिर आएगा 312, इस डिजिट को इसमें अप्लाई कर दीजिए, देखो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, कैसे फॉर्मूला होगा देखो, यहाँ पे क्या है एक्स 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 है, तो यहाँ लिखता हूँ 1, 2, 3, 123 हो गया कंप्लीट, अब क्या बचा 123, 231, देखो 2, 3, 1, 231 हो गया कंप्लीट, अब क्या बचा 312, 3, 1, 2, तो हमारा सूत्र तैयार हो गया, देखिए 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वाई टू, ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, देखिए अब वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं इसमें, अब देखिए एक क्वेश्चन में लिखा 1/2 ऐसे रहेगा क्वेश्चन में एज इट इज, देखिए एक्स वन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 2, ठीक, अब वाई टू कितना है क्वेश्चन में माइनस के 1, वाई थ्री देखिए माइनस लगा हुआ, वाई थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में है माइनस के 4, ठीक, प्लस एक्स टू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में माइनस के 1, ठीक, ब्रैकेट वाई थ्री की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, वाई थ्री की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में माइनस के 4, ठीक, माइनस वाई वन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 3, ठीक, प्लस अब क्वेश्चन में देखिए एक्स थ्री बचा, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 2, ब्रैकेट वाई वन की वैल्यू है क्वेश्चन में 3, ठीक, माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 0, मैंने इसमें वैल्यू सबकी पुट कर दी, अब बहुत इजी हो गया, अब इसकी कैलकुलेशन करिए, आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, देखिए 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में एज इट इज, 2 ऐसे रहा, देखिए माइनस है के 1 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं जब को बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस के 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितने हो गए 7, प्लस के 2 ब्रैकेट में 3 में से 0 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, तो नॉर्मल सी बात है 3 बचेगा, ठीक, अब देखिए 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में, 2 ऐसे रहा, देखिए 4 में से 1 के कितने बचे क्वेश्चन में 3, ठीक, अब देखिए बाहर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, देखिए 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 7, और ध्यान रखना हमेशा मल्टीप्लाई में साइन प्लस में हो जाता है, देखिए यह माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक, अब देखिए प्लस का साइन है प्लस रहेगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तक 6, ठीक, अब आगे कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका, 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में, देखिए 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, साइन नहीं लगा जाता मल्टीप्लाई का, 2 की 3 से 6 आ गया प्लस 7 प्लस 6, ठीक है, इन सबको ऐड कर लेता तो क्या आता है, देखो 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में इनटू 6 और 7 13 और 6 कितने हो गए 19, ठीक, देखिए 6 और 13 कितने हो गए 19, ठीक है, अब 2 का टेबल 19 में कितनी बार जाएगा, ये 19 का हाफ कितना होगा 2 9 18, 2 5 10, तो इसका आंसर कितना है 9.5, क्वेश्चन का आंसर ये किसका था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसे दे रखी कुछ डिजिट, इसमें हम मान लेते हैं इसे एक्स वन, ठीक, इसे वाई वन पहले लिख लेते हैं, फिर एक्स टू वाई टू, ठीक, ये क्या है एक्स थ्री वाई
थ्री, मैंने वैल्यू पुट कर दी थी, वैल्यू में अर्स में लिख दिया एक्स वाई एक्स वाई। अब फॉर्मूला लगाइए 1/2 ठीक एक्स, फिर वही वाई माइनस वाई ठीक, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर एक्स फिर वाई माइनस वाई ठीक। फॉर्मूला लगा देते हैं 1 2 3, 123 231 2 3 बनाइए, फिर 312 312, तो हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2 क्वेश्चन में एज इट इज रहेगा ठीक। एक्स वन की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, माइनस के 5 ब्रैकेट, वाई टू क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन में माइनस के 5 ठीक, माइनस के माइनस वाई थ्री कितना क्वेश्चन में 2 ठीक, प्लस एक्स टू कितना क्वेश्चन में 3, वाई थ्री क्वेश्चन में दे रखा है 2, वाई वन क्वेश्चन में है माइनस के 1 ठीक, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में एक्स थ्री की 5 ठीक, y1 क्वेश्चन में कितना दे रखा क्वेश्चन में y1 दे रखा माइनस के 1, और y2 कितना है क्वेश्चन में माइनस के 5। अब इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये भी ऐसे होगा जैसे अभी हमने ऊपर करा क्वेश्चन। अब देखिए कैसे करना है, 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में ठीक, माइनस के 5 ऐसे रहा, देखिए माइनस माइनस प्लस 7 आ गए ठीक, प्लस के 3, फिर माइनस माइनस प्लस, और देखिए बाहर ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो गया साइन, तो 2 अब 1 कितने हो गए 3 ठीक, प्लस के 5, अब देखिए माइनस माइनस प्लस ठीक, अब 5 में से 1 के कितने बचे 4, प्लस के अब इसको कैलकुलेशन कर लें 1/2 ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करते देखो, माइनस माइनस प्लस 35 आ गए, मल्टीप्लाई करना 7 5 से 35, 3 3 से 9 ठीक, और 5 4 से 20। इन सब को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में, देखिए इन ऐड करते हैं 9 और 5 कितने हो गए 9 और 5 हो गए 14 ठीक है। 1 कैरी ले लेते हैं 2 एंड 3, 3 3 कितने हो गए 6, 2 का टेबल 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 का टेबल 4 में 2 बार, तो इसका आंसर कितना आया 32। ये क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर ठीक है। हमने आंसर निकालने से के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहले की तरह क्वेश्चन में देखिए इसमें वैल्यू दे रखी 1 2 1 2, तो जो भी डिजिट दे रखी, लेकिन इसमें क्या दे रखा के, तो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन हो गया। के कैसे निकालेंगे, देखो हमें सेम फॉर्मूला वही यूज करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं इसका भी बहुत ईजी आंसर निकलेगा ठीक है। इसे भी एक्स थ्री, इसे क्या मानेंगे वाई थ्री। अब क्या करना है फॉर्मूला लगे 1/2 एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स फिर वाई माइनस वाई ठीक है, 1 2 3 देखिए ठीक है, फिर 2 3 1 फिर 3 1 2 ठीक है। फॉर्मूला तो मैं बनाना सीख लिया फॉर्मूला, कई बार बना चुका हूँ भी। देखिए वैल्यू पुट कीजिए 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में, एक्स की 1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 7, वाई टू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1, वाई थ्री की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में है के ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल से हो जाएगा अभी। अब क्वेश्चन में फिर एक्स टू की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 5 ठीक, वाई थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई के, वाई वन की वैल्यू हो गई क्वेश्चन में कितनी है माइनस के 2 ठीक, प्लस एक्स थ्री कितना क्वेश्चन में 3 ठीक। अब इसमें y1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, y1 की है माइनस के 2, और y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1। इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं ठीक है। इसमें k में आंसर आएगा क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है एक में, 1/2 ऐसे रहा क्वेश्चन में, 7 ऐसे रहा। देखिए 7 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 की k से करेंगे तो कितना आएगा 7k। मैंने इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करी और इसकी इससे भी ठीक है, प्लस के 5, देखिए 5 की k से करेंगे तो क्या आएगा 5k, और ये माइनस माइनस प्लस, अब 2 की केस से करेंगे कितना आएगा 2 5 10 ठीक। अगर माइनस माइनस एक साथ दे रखे तो उसका साइन क्या होता है प्लस, देखो 2 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस ठीक। अब 3 की 2 से करेंगे कितना आएगा 6, देखिए पहले ये कर लेते हैं 3 ऐसे रहा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डिजिट प्लस होंगी इस केस में लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का होगा ठीक है, क्योंकि ये अलग है ये अलग साइन है, तो ये क्या आएगा 2 1 2 1 के तो 3 ठीक। अब इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखिए इसे प्लस माइनस कर लेते हैं 2 ऐसे रहा। अब देखते हैं देखिए 7 जो है ये के ये किस में माइनस में किस में प्लस में, तो 7 में से 5 वे कितने बचे 2 के ठीक। अब देखिए 7 प्लस के ये भी प्लस के कितने हो गए 17। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 3 की 3 से करें कितना का 9 ठीक, इसकी मैंने इससे क्या करी मल्टीप्लाई करी ठीक है मल्टीप्लाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, 3 के 3 से मल्टीप्लाई करने में 9 आ गया, 1/2 क्वेश्चन में एज इट इज रहा ठीक है, माइनस के 2 ऐसे रहा, देखिए ये प्लस के 17 है और ये किस में है माइनस के, तो 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 8 ठीक है, प्लस के 8 ठीक है, 17 में से 9 जाएंगे कितने बचे 8। अब देखो 2 का टेबल 2 में कितनी बार जा रहा 1 बार, 2 का टेबल 8 में कितनी बार जा रहा 4 बार,
तो उसका आंसर किस टाइप से आया, माइनस के प्लस के फोर। देखिए ऐसा तो आंसर आता नहीं कि माइनस के प्लस फोर, इसको हम अलग लिख लेते हैं। देखिए ये माइनस में डिजिट है, ये माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसका आंसर क्या है, के इज इक्वल टू फोर। तो ये हमारा किसका आंसर आया, के का एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। ये हमने किस चीज का आंसर निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये किस चीज का आंसर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में के का आंसर, ठीक है। इसी का नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी के में दे रखी है डिजिट। एक तो ये देखे एक्स वन ये क्या है, उस वाई टू, ठीक है, ऐसे ही दे रखे क्वेश्चन में। इसे हम एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, ठीक, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक, ऐसे ही क्या है एक्स थ्री वाई थ्री। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के, वन बाय टू क्वेश्चन में एज इट इज रहा एक्स, ठीक, वाई वन वाई एक्स वाई वाई, ठीक, एक्स फिर वाई वाई, ठीक, वन टू थ्री, अब टू थ्री वन, ठीक है, टू थ्री वन फिर थ्री वन टू। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका भी आंसर आ जाएगा जैसे हमने ऊपर करा है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब क्या कहते हैं, वन बाय टू ऐसा रहा क्वेश्चन में, एक्स वन कितना क्वेश्चन में एट, ठीक, वाई टू क्वेश्चन में दे रखा कितना क्वेश्चन में माइनस के फोर, वाई थ्री कितना क्वेश्चन में, वाई टू की वैल्यू पुट कर दी मैंने, वाई थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में है माइनस के फाइव, ठीक है, ऑलरेडी माइनस आगे दो दो होगा इसमें, तो फिर ब्रैकेट एक्स थ्री एक्स टू कितना क्वेश्चन में के, ठीक, वाई थ्री कितना क्वेश्चन में माइनस के फाइव, वाई वन कितना है क्वेश्चन में वन, फिर एक्स थ्री कितना क्वेश्चन में टू, वाई वन क्वेश्चन में दे रखा है वन, और वाई टू कितना है क्वेश्चन में माइनस के फोर, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, वन बाय टू क्वेश्चन में एज इट इज रहा, देखिए एट ऐसे रहा, अब इसे देखिए बाहर माइनस है, माइनस के फोर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के फाइव, ठीक है, प्लस देखिए माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, डिजिट तो प्लस में होंगी माइनस माइनस, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, देखिए माइनस के फाइव माइनस के वन तो कितना होगा माइनस के सिक्स, ठीक, टू ऐसे रहा क्वेश्चन में, वन ऐसे रहा प्लस माइनस माइनस प्लस फोर, अगर दोनों एक साथ माइनस हो तो प्लस होगा, अगर अलग अलग माइनस है इधर तो वो माइनस में ही होगी, ठीक है, डिजिट होगी माइनस में लेकिन डिजिट प्लस हो जाएगी। अब इसकी प्लस माइनस कर लेते हैं, वन बाय टू ऐसे रहा क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए फाइव में से फोर के कितने बचे वन, अब वन की एट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना एट, ठीक, प्लस के देखिए ये माइनस है क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है बाहर अंदर माइनस होता है, के की सिक्स से करेंगे कितना सिक्स के। अब देखिए फोर और वन कितना होगा फाइव, अब फाइव के टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा टेन, ठीक। अब इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, वन बाय टू ऐसे रहा क्वेश्चन में, ठीक, टेन और एट कितना होगा एटी माइनस का सिक्स के, अब देखो टू का टेबल एटीन में नाइन बार, टू का टेबल सिक्स में थ्री बार, तो इसका आंसर कैसा है नाइन माइनस थ्री के। देखिए ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, साइन चेंज करने पर प्लस में, थ्री के इज इक्वल टू नाइन, ठीक है, थ्री के इज इक्वल टू क्या इसमें नाइन, अब थ्री का टेबल नाइन में कितनी बार जा रहा है थ्री बार, तो के का जो आंसर आया वो कितना आया क्वेश्चन में थ्री। तुम्हारा किस चीज का था ये आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल में के का आंसर। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।